हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम 2021 का रिजल्ट तो आ गया। कुछ स्टूडेंट्स रिजल्ट से काफी ज्यादा खुश हैं और कुछ स्टूडेंट्स थोड़े से उदास हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उनका रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के बजाय रिटन एग्जाम देकर आता तो उनका रिजल्ट बेहतर होता। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट से एग्जाम दिया था, उनका पहला कंपार्टमेंट एग्जाम या दूसरा कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं हो पाया था, या उनका रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे नहीं बन पाया था। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई ने एग्जाम कब होगा उसके बारे में डिटेल्स दी है। इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 में कौन कौन से स्टूडेंट बैठ सकते हैं, एग्जाम कब होगा, रजिस्ट्रेशन कब होगा, एग्जामिनेशन की फी क्या होगी, सेंटर कहाँ होगा, सिलेबस क्या होगा एग्जाम का, और सैंपल क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, इन सारी चीजों के बारे में सीबीएसई ने अपने एक सर्कुलर में बताया है। चलिए डिटेल में इन सारी चीजों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2021 के लिए। नंबर वन, वैसे स्टूडेंट्स जिनका क्लास 12 का रिजल्ट 2021 में पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन के आधार पर निकाला गया और वे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से खुश नहीं है और वो रिटन एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं, जिससे उनके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हो, उनका रिजल्ट और भी अच्छा आए, वैसे स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट का एग्जाम साल 2021 में दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही जरूरी बात जो ध्यान में रखने वाली है कि इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन में स्टूडेंट का जो भी रिजल्ट आएगा उसे फाइनल माना जाएगा। मान लीजिए आपने जो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दिया उसमें मार्क्स कम आए इन कंपैरिजन टू जो आपका मार्क्स पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन के आधार पर आया था, कि आपके इम्प्रूवमेंट एग्जाम का जो रिजल्ट होगा उसे ही फाइनल माना जाएगा। कम मार्क्स आए या ज्यादा मार्क्स आए, इम्प्रूवमेंट एग्जाम का जो रिजल्ट होगा उसे ही फाइनल माना जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स, अगर आप 100% श्योर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तभी आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए बैठे और अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठे, जिससे आपका मार्क्स और बेहतर हो। सेकेंड, वैसे स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट साल 2021 में आया लेकिन उनका किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया, वो उस सब्जेक्ट को पास नहीं कर पाए, तो वो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। प्राइवेट कैंडिडेट या पत्राचार वाले कैंडिडेट, या फिर वैसे स्टूडेंट जिनका फर्स्ट कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया था और उनको सेकंड कंपार्टमेंट एग्जाम देना था लेकिन वो एग्जाम या तो कंडक्ट नहीं हो पाया या फिर उनका रिजल्ट पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन के आधार पर नहीं बन पाया, वे सारे स्टूडेंट्स आने वाले कंपार्टमेंट एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। ध्यान रहे, क्लास 12th या क्लास 10th के स्टूडेंट्स केवल एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। अब जानते हैं डेट्स, कौन सी डेट्स में एग्जाम होंगे। तो सीबीएसई ने अभी जो डेट बताई है वो है 16th अगस्त 2021 से 15th सितंबर 2021। इस डेट के दौरान ही क्लास 10th या 12th का कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। डिटेल में जो डेट शीट आएगी वो अभी रिलीज नहीं हुई है, आने वाले कुछ दिनों में डेट शीट भी रिलीज हो जाएगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट का एग्जाम लिया जाएगा। स्क्रीन पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से वे सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स और उनके जो कोड है वो मेंशन किए हुए हैं। आप चेक कर लें कि कौन से सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है। अब बात आती है एग्जामिनेशन की फी क्या होगी। तो सीबीएसई ने ये बताया है कि जिन स्टूडेंट्स का साल 2021 में पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन के आधार पर रिजल्ट आया था और उसमें उनका किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया था, उनको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना है, केवल उन्हीं स्टूडेंट को एग्जामिनेशन की फी पेमेंट करनी होगी। एग्जामिनेशन सेंटर इंडिया और फॉरेन कंट्रीज दोनों में बनाए जाएंगे। कोविड की सिचुएशन को देखते हुए ही एग्जामिनेशन सेंटर्स का चुनाव किया जाएगा और जिस भी सेंटर में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वहां पर सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे। सेंटर्स अभी कहां कहां पर है वो अभी क्लियर नहीं किया गया है। सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर किस तरीके का होगा, तो जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया था उसी के आधार पर आपको अपनी तैयारी करनी है।
सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के वेबसाइट पर अपलोडेड है साल 2021 के लिए, वही पैटर्न के आधार पर आपका एग्जामिनेशन होगा। तो आप उन सारे अपलोडेड सैंपल टेस्ट पेपर को देख सकते हैं www.cbse.nic.in पर लॉगिन करके। एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन होगा, कितने घंटे का एग्जाम होगा, वो भी वही होगा जो सैंपल क्वेश्चन पेपर में मेंशनड है। बात करते हैं इस एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को कराना है जिनका रिजल्ट साल 2021 में टैबुलेशन पॉलिसी के आधार पर निकाला गया था। वे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, उनको इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देना है, या फिर उनके रिजल्ट में किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया है और उनको अपना कंपार्टमेंट क्लियर करना है, ये सारे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के लिए सीबीएसई की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन की डेट अभी नहीं निकाली गई है, आने वाले कुछ दिनों में ये डेट भी रिलीज हो जाएगी। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट साल 2021 में टैबुलेशन पॉलिसी के आधार पर नहीं बन पाया था, उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। वे स्टूडेंट्स विदाउट रजिस्ट्रेशन भी ऑटोमेटिकली आने वाले एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो सीबीएसई ने क्लास 10th या 12th के कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए अभी बताई है। आने वाले दिनों में रजिस्ट्रेशन डेट, एग्जामिनेशन की डेट शीट और एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल भी रिलीज होगी। उसे जानने के लिए आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर चेक करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे पाऊँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।